हाँ जी मालवा बर्डलाइफ चैनल देख रहे सारी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है ते सारे ही भैन भरावों नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। सो दोस्तों अज की खबर तुहानूं दसन जा रहे हैं जिहड़ी कि बहुत इंपोर्टेंट है। उसका कारण की है, अपने जिवें तुहानूं दस्सिया ही है मेरे रिपोर्टर भरा जिहड़े हैगे आ उह सारा दिन मतलब कि सीएम भगवंत मान जी नाल इधर उधर गेड़े ते रहिंदे ने। उहनां दीआं जिहड़ियां मेन मेन गल्लां जिहड़ियां नोट करदे रहिंदे ने ते नाल ही उहनां नूं रिकॉर्ड करदे ने तां कि उह न्यूज़ चैनलां उत्ते अपने दस सकन ते कुछ गल्लां जिहड़ियां अपने लिए इंपोर्टेंट हुंदियां उह व्हाट्सएप उत्ते अपने नाल जरूर सांझियां करदे। अज एक होर गल वेखन नूं मिली है जिहड़ी कि भगवंत मान सरकार जी वालों असी एक क्वेश्चन पुट किया गया सी मेरे भरा ने कि जिहड़ा सब इंस्पैक्टर के पेपर जिवें हुण जुलाई में कराए जा रहे हैं तो अगे जिहड़े हैगे कॉन्सटेबल के पेपर वह भी अगस्त के विच ही आणगे क्योंकि ये बहुत वड्डी चिंता बनी पई है बच्चों उत्ते। बच्चे पुछ रहे हैं जिवें पंजाब के हालात है सर क्वेश्चन जिहड़े पेपर है वह अगस्त के विच ही होणगे, यही क्वेश्चन हरेक किते गूंजदा पिया हरेक बच्चे के कन्नां दे विच भी ते मन दे विच भी है ना जी। उन्होंने बड़े ही चंगे तरीके जवाब दिता। उन्होंने ये कहा जिनी देर यह पेपर लेट होगा उन्ना ही बच्चों लिए फायदा होगा। उसका कारण की है दोस्तों जिमें कि हूँ सब इंस्पैक्टर का एग्जाम हूँ खत्म होने वाला है 31 तरीक न, ठीक है जी। उस तो बाद होर भी कई एग्जाम जोड़े होर सेंटर लैवल से या अपने ला लो पंजाब स्टेट लैवल से वह भी जल्द ही खत्म हो गए। जिमें जिमें बच्चे उस जॉब्स के उत्ते आई जाएंगे गौर मतलब कि ज्वाइनिंग लैटर लई जाएंगे उवें उवें जिहड़ियां कि सीटा भर दी जाएंगी हरेक सैक्टर के हूँ। कॉन्सटेबल के जिमें कि 2,58,000 के करीब बच्चों ने भरया है। हुण तुसीं मान लो इंदे विच्चों जी अगर 10,000 जां 15,000 बच्चा जिहड़ा हैगा पंजाब पुलिस की उम्मीद लाई बैठा है भी असी पक्का डेफिनेटली असी इस दे विच क्रैक होवांगे होवांगे क्योंकि 10,000 जां 15,000 ही चुनिया जाता है सारे मतलब 2,58,000 चों। तुहानूं भी पता है तुसीं सियाणे हो जदों अपने कहिंदे आ मैरिट लिस्ट आउंदी है ना जी। वह 10,000 जां 15,000 जिहड़ा चुनना है वह तुहाडे विच्चों ही आना है, वह तां आवेगा जदों सारे जिहड़े करीम बच्चे है वह सारे जॉब्स दे उत्ते लग जाणगे जिहड़ियां रह गईयां, ठीक है। हुण जिहड़े तुसीं रह जाओगे लास्ट दे विच कॉन्सटेबल दे एग्जाम दे लई वो जो तुसी एग्जाम तुहाडा होवेगा अगस्त विच, ठीक है जी। अगस्त तो बाद सितंबर दे विच पहला सब इंस्पैक्टर का रिजल्ट आएगा। हुण अगस्त दे विच विचालड़े वास्ते मतलब 15 तरीक नूं हो सकता है या फिर अपना 20 तरीक दे विच विच तुहाडे एडमिट कार्ड वेखण नूं मिल सकते हैं, ठीक है जी। आपां इह कह सकते हैं अनुमान ला सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि कारण की है फिर सब इंस्पैक्टर का जिहड़ा रिजल्ट आएगा जदों सितंबर दे विच उह बच्चे जिहड़े करीम होणगे उह सब इंस्पैक्टर दे विच सिलैक्टड हो जाणगे। हुण फिर तुहाडे वर्गे भैण भरा रह जाणगे, ठीक है जी, वह भी फिर सिलैक्ट हो जाणगे कॉन्सटेबल दे विच, ठीक है जी। फिर ऐ नहीं होगा भी कोई भी गौरमेंट सीट खाली रह जाए, कोई भी बच्चा ऐ ना होवे भी डबल भर्तियां कढ़ी बैठा होवे ते एक सीट खाली छड्ड दे ते एक दे विच जॉइन कर जाए, ठीक है जी। इस करके पंजाब सरकार का यही मसला है भी जिहड़ियां पहलां आपां PSSB दियां PSPC सी एल दियाँ है ना जल विभाग दियाँ ला लो सारिया मतलब कहने का भाव जॉब्स के उत्ते फिलिंग कर लीए या पो डाकखाने दियाँ ला लो तुसी होर भी बहुत छोटिया मोटिया जॉब्स अजक आ रही हैं वो सारिया फिल हो गई उदों तक कॉन्सटेबल का रिजल्ट जिहड़ा है सितंबर ते अक्तूबर का कढ़ांगे ताकि हर साल यही क्राइटीरिया चले हर साल मतलब कहने का भाव लखा की तादाद के बच्चे गौरमेंट जॉब लैके जा नहीं गया भी तुम चाहो भी अज पेपर होया तो कल रिजल्ट आए तो परसों सानू लैटर आ जाए। हरेक बच्चे जे इको लैटर आ गए मतलब मान लो एक बच्चे ने तीन पेपर क्लीयर किए हैं पहला कॉन्सटेबल कर लिया दूजा अपना पोस्ट ऑफिस का कोई कर लिया या PSSB का कलर्क का, ठीक है। तिने ज्वाइनिंग लैटर आ गए वो एक नौकरी पर बह गया तो दो खाली रह गए ना जी क्योंकि उसका नाम उन्हें भी गूंजता हूँ जो वह लैटर भेजूगा भी हाँ जी मैं नहीं बैठना इस जॉब पर तो गांह भेजो फिर उदे औखाई आऊगी। इस करके पंजाब सरकार ने एग्जाम का जो रिजल्ट है ये लेट किया थोड़ा जहा, ठीक है। जो कॉन्सटेबल की जी सब हरमन प्यारी भर्ती है तो मैडिकल के सिर्फ उ बच्चे क्लीयर होंगे है जिन्हों का मतलब कहने का फिजिकल भी सैट हों, दूसरी गल एग्जाम भी क्लीयर हों, तीसरी गल जब बच्चा चाहवान हों क्योंकि ये पंजाब की कॉन्सटेबल की जी जॉब है ये बहुत मुश्किल वाली है जी ट्रेनिंग होंगी है इदू भी ज़्यादा मुश्किल होंगी है ना जी। सब इंस्पैक्टर का फिर भी ठीक लैवल की जॉब है उस इन्नी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होंगी बट जी पंजाब के कॉन्सटेबल की जी जॉब होंगी उस बहुत सख्ताई उस ट्रेन किया जाता है ताकि हरेक मजबूरी पहला उन्हें ही अगे लड़ना होंगे ना कि अफसर ने, है ना जी। सो इस करके पंजाब के सीएम वालों कहा गया भी जल्दी तो जल्दी आप पहला पिछलियां भर्तियां जिहड़ी हैगियां 2021-22 दियां उन्हां दा भी आपां नत्थी करांगे, ठीक है भी दसंबर तक आपां पिछला रिकॉर्ड सारा क्लीयर करना, ठीक है। नाले तां गौरमेंट जिहड़ियां सर्विसेज पहलां निकलियां सी उन्हां दे एग्जाम जल्दी तो जल्दी कंडक्ट कराए जाण भी बच्चे कहिण दा भाव 1,50,000 दे करीब एक साल दे विच नौकरी ला के उन्हां वल्लों एक भाषण दिता जाएगा दसंबर दे विच। उन्हां ने यही कहा
ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਟ ਭਰੀ ਪਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ 10 ਜਣੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੀਟ ਭਰੀ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਗਜ਼ਾਮ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਪੇਪਰ, ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੂੰਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੋਣਾ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਮੋਕ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਕ ਲਿੰਕ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੋਕ ਲਿੰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਮੋਕ ਲਿੰਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਕ ਲਿੰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੋਕ ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।